हेलो एवरीवन, हम लोग आज के इस वीडियो में अर्थमेटिक मीन के बारे में जानेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमें एपी की कोई टर्म दी हुई है, एग्जांपल मान लो टर्म्स हमें दिया हुआ है 5, 10 और 15। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, और वो हमें मिडिल टर्म्स देता है। ओके इस केस में अर्थमेटिक मीन, मान लो ये फर्स्ट टर्म ए है, ये बी है सेकंड टर्म, और थर्ड टर्म सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट टर्म को हमने ए मान लिया, सेकंड को बी कंसिडर कर लिया, और थर्ड को सी कंसिडर कर लिया। ओके नाउ अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ओके जब भी क्वेश्चन में बोले फाइंड अर्थमेटिक मीन, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस सी बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, उससे हमारा मिडिल टर्म निकल कर आता है। मतलब इस जो सीक्वेंस दिया हुआ है हमें एपी में, इसका मीन टर्म, ओके मिडिल टर्म निकल कर आता है। सो अगर हम इसे सॉल्व करें, हमारा ए फर्स्ट टर्म क्या है 5, प्लस सी लास्ट टर्म क्या है 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 15 प्लस 5 इज 20 बाई 2, दैट इज 10। ओके इसे सॉल्व करने पर हमारा मिडिल टर्म निकल कर आता है बी, और बी की वैल्यू क्या है 10, आ गया 10। ओके सो फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन के लिए, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 gives middle term, okay? So I hope arithmetic mean समझ आ गया होगा। Last video में हमने एक topic छोड़ दिया था, sum of first n term। उसके लिए एक formula होता है, उसे हम यहाँ देख लेते हैं। Sum of first n positive integer। ओके सो जब भी हमें क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और n अप टू इंफिनिटी भी हो सकता है, या क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर। सो ये 20 तक जाएगा, प्लस 7 प्लस 8 अप टू प्लस 20, मतलब कि फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, ये पहला 20 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20, इसका सम निकालना हो तो इसे क्या हम ऐड करने बैठेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, नहीं, इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, बस हमें फार्मूला याद रखने की जरूरत है, दैट इज n n प्लस 1 बाय 2। ओके सो ये हमारा फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का। ओके फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमें जब भी निकालना हो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान लो हमें 1 से 20 तक का, ये n के प्लेस पर क्वेश्चन में मेंशन है 20, फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, ओके उसका सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Sn is equals to n 20 है हमारा 20, 20 plus 1 n के प्लेस पर बस 20 पुट कर देना है by 2। ओके अब सॉल्व कर लेंगे, 20 into 20 plus 1 that is 21 by 2, इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 420 by 2। ओके और जब इसे हम कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 210। ओके तो हमारा Sn आ गया, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आ गया हमारे पास 210। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से क्लास 10th चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ओके सो इफ यू फाइंड माय वीडियो हेल्पफुल प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।